सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देखें तहसील आपके द्वार और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तेज रफ्तार से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। किशनगढ़ के दंपति सुनील कुमार चावड़ा ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित दंपति ने कुछ लोगों पर सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया। कहा कि लोग कोरोना की झूठी खबरें फैला रहे हैं जिससे हमारे परिवार को काफी परेशानी हो रही है। अजमेर के रूपनगढ़ में युवक का शव मिलने का मामला, परिजनों ने कुछ लोगों के खिलाफ हत्या का दर्ज करवाया था मामला। पुलिस की जांच पड़ताल में बताया कि युवक ने एक तरफा प्रेम में की आत्महत्या। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा की ओर से होली स्नेह मिलन समारोह श्री जी महाराज बेनाडा धाम में मनाया गया। हरियाणा गौड़ ब्राह्मण अध्यक्ष बाबूलाल टीलावाला ने समाज बंधुओं के साथ फूलों की होली खेली। पादनवाड़ा के भगवान देव नारायण के मंदिर में होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत रहे। कुमावत ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के गुलाल लगाकर होली की बधाई दी और कार्यक्रम के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भी बैठक हुई जिसमें आगामी पंचायत समिति चुनाव को लेकर चर्चा की गई। आहोर के किशनगढ़ गांव में संत महापुरुष कृष्णा राम जी महाराज की तपोभूमि पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। समारोह में आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और कांग्रेस नेता सवाराम पटेल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उदयपुर के कानपुर गांव में अचानक खेतों में गेहूं की कटी हुई फसल के बीड़े में आग लग गई। ग्रामीणों ने खबर दी दमकल विभाग को और दमकल ने आग पर काबू पाया। विधायक विजय पाल मिर्धा और पूर्व विधायक रजपाल सिंह मिर्धा के डेगाना पहुंचने पर स्वागत किया गया। डेगाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बेड से सीधा 100 बेड का कर दिया गया है। इससे डेगाना सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ मिलेगा। भरतपुर में जिला ब्राह्मण महासभा का होली मिलन समारोह खिरडी घाट स्थित श्री ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित हुआ जिसमें पूर्व सांसद पंडित राम किशन, डीआईजी लक्ष्मण गौड़, प्रोफेसर रामकृष्ण शर्मा बतौर अतिथि मौजूद रहे और इस दौरान गायक वीरू ने होली के गीत सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेरठा में आकाशवाणी दिल्ली की कलाकार सोमा बागची अपने पति रजत कुमार बागची के साथ मीराबाई मंदिर के दर्शन के लिए गईं और इस दौरान लोगों ने बागची का अभिनंदन किया। बागची ने मीरा स्मारक में मीरा की जीवनी से संबंधित चित्रों और तस्वीरों को देखा। डेगाना से पूर्व विधायक रजपाल सिंह मिर्धा और विधायक विजयपाल सिंह मिर्धा ने कांग्रेसी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं को आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली, साथ ही ग्रामीणों को ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान की जानकारी ली। धौलपुर में समाज सेवा महिला मंडल की ओर से गुलाब बाग चौराहे पर कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और इस दौरान लोगों में बार बार हाथ धोने के लिए सोप स्ट्रिप्स बांटे गए और साथ ही लोगों को इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टर्स का वितरण किया गया। शीतलाष्टमी पर बीकानेर के प्राचीन शीतला माता मंदिर में सोमवार को मेला भरेगा। मेले में हजारों की संख्या में लोग मंदिर में पहुंचेंगे। मेले के मद्देनजर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शीतला माता मंदिर परिसर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। मसूदा के विजयनगर में 5 मार्च को अंबेडकर भवन में मोबाइल टावर लगाने को लेकर पुलिस और लोगों में हुई मारपीट के मामले में लोगों ने थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। इस मामले में पहले ही पुलिस ने मौके पर मौजूद 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया था। जैसलमेर के नाचना पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के सरपंचों और वार्ड पंचों के लिए मतदान हुआ। ग्राम पंचायत भारेवाला की बूथ संख्या 44 पर 108 साल की बुजुर्ग महिला की लाला खातून ने मत डाला, वहीं 105 वर्ष की हलीमा ने भी मतदान किया। कोरोना वायरस के डर के चलते चिकित्सा विभाग की ओर से अब बांसवाड़ा शहर में घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट जल्द ही मुख्यालय भेजी जाएगी। पीएमओ डॉक्टर नंदलाल चरपोटा ने बताया कि अलग अलग टीमें लगाकर बांसवाड़ा शहर के हर वार्ड का सर्वे करवाया जा रहा है जिससे किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटा जा सके। भरतपुर के बयाना क्षेत्र में सेठ मैया का मेला ब्रह्मबाद गांव में शुरू हो गया है और एक पखवाड़े तक चलने वाले इस मेले में लाखों जातरू शीतला माता की आराधना करने के लिए आते हैं और इस मेले में सुरक्षा के इंतजामों में नवाचार करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पिछली बीजेपी सरकार में मंत्री रहे यूनुस खान डीढ़वाना दौरे पर रहे और इस दौरान खान ने थानू गांव में पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया। इसके बाद खान ने खेल स्टेडियम की बदहाली की सूचना पर निरीक्षण करने पहुंचे और बदहाली पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार पर आरोप लगाए।
बांसवाड़ा जिले की अर्थुना पंचायत समिति की 25 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंचों के लिए मतदान हुआ। मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा। उदयपुर के बेदला इलाके में जलदाय कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से नल के पानी में गंदगी के साथ सांप के बच्चे निकल रहे हैं। पीने के पानी में सांप के बच्चे निकले तो लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने जलदाय विभाग के आला अधिकारियों से इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर छबड़ा नगर पालिका के तत्वाधान में जनचेतना अभियान की शुरुआत की गई। नगर पालिका से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में कस्बे के लोगों को इस वायरस से बचने की अपील की गई। उदयपुर जिले के हिरणबगरी थाना क्षेत्र में एक बस मोटरसाइकिल सवार को बचाने के फेर में अनियंत्रित होकर खाई में जा उतरी। गनीमत रही कि वहां पर एक पेड़ होने से बस खाई में गिरने से बच गई और बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान चालक और परिचालक को मामूली चोटें आई। ब्यावर में शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सेवा दल के तत्वाधान में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सीनरा रोड स्थित बालाजी टावर में आयोजित समारोह में पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली और इस दौरान अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा ने सीएम अशोक गहलोत के निरोगी राजस्थान को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। भरतपुर में शिक्षाविद विमला चीमा की पुण्यतिथि पर पाई बाग स्थित गुरुद्वारे में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी गुरुद्वारे पहुंचकर शिक्षाविद विमला चीमा को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर अखंड पाठ कीर्तन दरबार और लंगर का भी आयोजन किया गया। पोखरण में पंचायती राज चुनावों के प्रथम चरण के दौरान जिले की 30 ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुए चुनाव और गांव की सरकार को चुनने के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। ग्राम पंचायत झलारिया में सरपंच के साथ सभी वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए। कोटा के वक्फ बोर्ड कॉलोनी में एक बदमाश ने पार्किंग विवाद में अपने ही पड़ोसी पर फायर कर दिए। गनीमत रही कि वारदात में पड़ोसी बाल बाल बच गया। वारदात के बाद बदमाश शानू उर्फ ताहिर मौके से भाग निकला। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और जांच में जुट गई है। इस्लामी समाज का निर्माण विश्व विषय पर एमडी रोड स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाना में समारोह आयोजित किया गया जो कि 15 मार्च तक चलेगा और इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद के केंद्रीय सचिव ने कहा कि इस वक्त मुस्लिम समाज अनेक कुरीतियों का शिकार है जिसके कारण इस्लाम की छवि धूमिल हो रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन में शिव शक्ति जागरण समिति द्वारा 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाया गया जहाँ मुख्य अतिथि सभापति गणेश राजबंसल समेत शहर के गणमान्य नागरिक रहे जिन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। दौसा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना पर तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए तैयारी रखने को कहा। वहीं जिले में कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए महुआ सीएचसी में कार्यरत एसटीएस को पद से हटा दिया। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके कब्जे से चोरी की 6 बाइक बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। उदयपुर जिले के ऋषभदेव पंचायत समिति के अष्टमी और नवमी पर केसरिया नाथ मेले को कोरोना वायरस से ग्रहण लग सकता है। यहां भरने वाले मेले को लेकर एसडीएम ने सरपंचों की बैठक ली और इस दौरान एसडीएम ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने से कई तरह के नुकसान की आशंका है। चूरू कीर्तनगढ़ में 12 ग्राम पंचायतों का चुनाव 46 बूथों पर हुआ और मतदान को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। मतदान शांतिपूर्ण रहा। सूखा दिवस के तहत बारा के सीसवाले में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए कोटा रोड स्थित एक मकान में छापा मारा और 6 पेटी देशी शराब और 24 बोतल बियर की बरामद की है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। सीस वाली ने पंच और सरपंच के चुनाव हुए। प्रतापगढ़ की जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज की जांच रिपोर्ट में कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं होने के बाद चिकित्सा अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। मेडिकल जांच के बाद मरीज का नमूना जयपुर भेजा गया था और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। जिला चिकित्सालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। बारा जिले के अंता के प्राचीन गढ़ में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। किले के अंदर पड़े कचरे में आग लगने से लोग सख्ती में आ गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाई गई। हालांकि किले में लगी आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। डेगाना में मदद फाउंडेशन के सदस्यों ने
अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए बोटाटी धाम पहुंचकर गंगा सिंह कांटिया को इलाज के लिए 1,21,000 रुपए की राशि दी। दरअसल फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य गंगा सिंह पैरालाइज की शिकायत होने से गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं। मांडलगढ़ में निरोगी राजस्थान समृद्ध राजस्थान अभियान के तहत राजस्थान भ्रमण के लिए निकली साइकिल रैली का लाठपुरा कस्बे में राजमार्ग पर स्वागत किया गया। राज्य मुख्य वन संरक्षक केसी मीणा ब्रजेंद्र के नेतृत्व में 14 मार्च को प्रारंभ 14 सदस्यीय साइकिल रैली लाठपुरा पहुंची। जयपुर के बगू विधानसभा में बीजेपी प्रदेश नेतृत्व द्वारा बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष पद पर मुकेश मेहता की तीसरी बार ताजपोशी होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया और इस दौरान महिला मोर्चा युवा मोर्चा सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने भी मेहता का स्वागत किया। अजमेर के किशनगढ़ में बेकाबू होकर हाईवे पर टमाटर से भरा ट्रक पलट गया। हाईवे पर टमाटर बिखर गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हादसे में ट्रक चालक और खलासी को चोटें आई हैं। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस के खतरे के चलते लोगों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कवायद की जा रही है और लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जा रहा है। महिला पतंजलि कार्यालय विन्यासा योगा स्टूडियो में प्रतिदिन 100 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क काढ़ा पिलाया जा रहा है। अराई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का बोनस और लाभांश वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी रहे। विधायक नाथुराम सिनोदिया ने समारोह की अध्यक्षता की और इस दौरान दुग्ध उत्पादकों को 16 लाख रुपए का बोनस और लाभांश वितरित किया गया। दौसा जिले के कोचर गांव में गत दिनों सवाईमाधोपुर डीएफओ टीम द्वारा दर्जनों पक्के मकानों को जेसीबी से ध्वस्त करने के मामले में दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा और बांदीकुई विधायक जीआर खटाना ने पहुंचकर जायजा लिया। तोड़फोड़ कर मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई को अनुचित बताया। विधायक दल ने प्रभावित लोगों को 5,000 रुपए की तत्कालीन मदद दी। पुष्कर में नशीली पदार्थों का काला कारोबार पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। यहां परिक्रमा मार्ग पर देवनारायण मंदिर के निकट पांचवी बार नशे के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले केटामाइन इंजेक्शन की खाली शीशियां लावारिस हालत में पड़ी मिली। पुलिस ने शीशियां जब्त कर जांच शुरू कर दिया। कोरोना की दहशत के बीच ईरान से 236 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान जैसलमेर पहुंचा। सभी यात्रियों को आर्मी एरिया ले जाया गया जहां आइसोलेशन वार्ड में इनकी स्क्रीनिंग की गई। झालावाड़ में भी अब कोरोना वायरस की जांच होगी। सरकार ने प्रदेश की 3 लेबोरेटरी में से झालावाड़ का चयन किया है। अभी तक जांच के लिए सैंपल जयपुर और पुणे भेजे जाते थे। सीकर के खंडेला में एसओजी ने अवैध डोडा पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। एसओजी ने मकान पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में डोडा पोस्ट बरामद किया, साथ ही 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। अजमेर में पुलिस ने 3 आरोपियों को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के कब्जे से 2 कट्टे और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये आरोपी हथियारों के दम पर अवैध वसूली करते थे। भरतपुर के तोहिया गांव में फसल नुकसान से दुखी किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। यहां भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान को लेकर किसान ने फांसी लगा ली। उदयपुर के खुराबड़ थाना पुलिस की कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। आज सुबह 3 बजे तक पुलिस ने 18 ट्रैक्टर, 1 एस्कॉर्ट करती कार को पकड़ा, साथ ही 12 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया। नागौर के डीडवाना में परिवहन विभाग का दस्ता बेवजह ट्रक चालकों को परेशान करके लूट रहा है। वसूली नहीं देने पर ट्रक चालकों से मारपीट तक हो जाती है। इस अवैध वसूली के खेल को लेकर ट्रक चालकों में खासा रोष देखा जा रहा है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में जहां थानला मार्ग पर परिवहन विभाग ने अवैध गिट्टी से भरा ओवरलोडेड डंपर पकड़ा है। गिट्टी लाने के कागज चालक के पास नहीं मिले। आपको बता दें कि बिना रॉयल्टी और टैक्स के अवैध गिट्टी लाने का धड़ल्ले से खेल चल रहा। झुंझुनू में सेठ मोतीलाल कॉलेज के सचिव और अन्य कार्मिकों के खिलाफ एसीबी ने मामला दर्ज किया है। गलत तथ्य पेश कर सरकार से 3,87,00,000 रुपए अधिक लेने पर यह मामला दर्ज किया गया। प्रतापगढ़ में पद्मावती माता के 3 दिवसीय मेले के आखिरी दिन श्रद्धालु नंगे पांव अंगारों पर चले। दरअसल यहां मान्यता है कि चूल पर चलकर माता के दर्शन करने से हर मनोकामना पूरी होती है। नागौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडवा में छात्राओं और नर्सिंग कर्मियों ने लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय की जानकारी बताई। शहर में घर घर सर्वे करने के साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा जन जागरण कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया गया। उदयपुर के खेराड़ गांव में एक भैंस छत पर चढ़ गई। ऊपर चढ़ने के बाद जब भैंस रंभाने लगी
तो परिवार को पता चला। दो घंटे की मशक्कत के बाद भैंस को रस्सी से बांधकर नीचे उतारा गया। डीडवाना कस्बे के हाईवे के पास देर रात खेतों में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दर्जन से ज्यादा खेतों में बने घरों में ताले तोड़े और पिकअप के जरिए घरों से सामान लेकर भाग निकले। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही। नागौर के रीडवाना में दादू बास्ती पंचायत में गर्मी की शुरुआत होने से पहले ही पेयजल सप्लाई को लेकर समस्या शुरू हो गई है। इसके चलते ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों की मांग है कि पेयजल के लिए सप्लाई दुरुस्त करवाई जाए। बाड़मेर के समदड़ी में आयोजित चार दिवसीय प्रजापत समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में भजनी क्लब बालोत्रा ने जीत दर्ज की और इस दौरान विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। बाड़मेर के समदड़ी में बिजली के पोल हादसे को न्योता दे रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग बिल्कुल गंभीर नजर नहीं आ रहा है। गनीमत यह रही कि अभी तक किसी प्रकार का कोई जनहानि नहीं हुई है। कई बार मवेशी इसकी चपेट में आ चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। बाड़मेर के समदड़ी में एक युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को 108 की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। नागौर के लाडनू के गांव खानपुर में शहीद तेज सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया। तेज सिंह ने 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के वक्त शहादत दी। अजमेर के पिसांगन में गणेश बगीची में कुमावत युवा संस्थान की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कुमावत युवा संस्थान की ओर से गणगौर पर्व के लिए गेर नृत्य को लेकर कमेटियों का गठन किया गया। बाड़मेर के समदड़ी के सुभद्रा माताजी और श्री मामा जी महाराज धाम में फूल डोल महोत्सव का आयोजन किया गया और इस दौरान कलाकारों ने लोक नृत्य गैर की मनमोहक प्रस्तुतियां दी और इस दौरान भारी तादाद में साधु संत मौजूद रहे। नागौर के पर्वतसर में कुचामन बाईपास की ओर बन रहे वीर तेजाजी द्वार के निर्माण की जानकारी लेने के लिए विधायक रामनिवास गावड़िया ने वहां पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें वहां भारी मात्रा में अनियमितताएं मिली, जिसको लेकर गावड़िया ने नाराजगी जाहिर की। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नागौर के रियाबड़ी में शीतला सप्तमी पर्व पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस पर्व पर महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना की, फिर ठंडे बासे पकवानों से माता का भोग लगाकर परिवार की खुशहाली की कामना की। स्वास्थ्य की देवी के मंदिर में अलसुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मारा के कवाई में मिट्टी की खुदाई करते वक्त कराई ढहने से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि कालू राम खेत में मेड़बंदी के लिए खुदाई कर रहा था, इस दौरान मिट्टी ढह गई। उसे बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसने वहां पर दम तोड़ दिया। अजमेर के पिसांगन में एक महिला ने गलती से कीटनाशक खा लिया, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां पर महिला को प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया। झुंझुनू के सिंघाना पंचायत समिति की चार ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखा गया। मतदान को लेकर यहां महिलाओं में खासा उत्साह रहा, जिसके मद्देनजर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रही। भरतपुर के रूपवास में चोरों ने सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी को चुरा कर रफू चक्कर हो गए। मकान मालिक के घर पहुंचने पर इस चोरी का खुलासा हुआ। नागौर के मकराना पंचायत समिति की 23 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद और वार्ड पंचों के लिए रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। मतदाताओं ने मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखाया। झालावाड़ के मनोहर थाना के सागोनी गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा होली मिलन समारोह और नवनिर्वाचित सरपंच सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। झालावाड़ के मनोहर थाना में उपभोक्ताओं के बिजली का बिल नहीं चुकाने के बाद उनके ट्रांसफार्मर उतार दिए गए। सुपरवाइजर इंद्रजीत जांगड़ ने बताया कि कई गांव में लाखों रुपए बकाया है, लेकिन लोग बिल चुकाने का नाम नहीं ले रहे हैं। दौसा जिले के नागलचापा गांव में स्वर्गीय गजानंद शर्मा शिक्षा विकास संस्थान के तत्वाधान में वाटर कूलर लगाया गया। इस वाटर कूलर का उद्घाटन स्वर्गीय गजानंद शर्मा की धर्मपत्नी यारसी देवी समेत बीजेपी मंडल अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों ने फीता काट कर किया। जोधपुर के शेरगढ़ में तेज रफ्तार बाइक ट्रक के पीछे घुस गई, इससे बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रक ने बिना इंडिकेटर दिए सड़क के बीच में ट्रक को रोक दिया, इससे बाइक सवार ट्रक में घुस गया। नागौर में दलित शिक्षक के साथ थाने में हुई मारपीट के मामले की अब
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांच करेंगे। जांच सही साबित होने पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है। प्रतापगढ़ के हादसा, बरखेड़ा गांव के पास देर रात ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। जांच अधिकारी के मुताबिक बरखेड़ा गांव के रहने वाले दोनों युवक चचेरे भाई हैं, जो बाइक से अपने गांव की ओर जाते वक्त हादसे के शिकार हो गए। श्रीगंगानगर की तीन पंचायत समितियों में पंचायत चुनाव हो गए। जिले के घड़साना, सूरतगढ़, अनूपगढ़ में 2,22,000 मतदाता मतदान में शामिल हुए, तो वहीं शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव कराने को लेकर प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त कर रखे थे। और इसी क्रम में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते खुद पल पल की अपडेट लेते दिखाई दिए और मतदाताओं से मतदान की अपील की। मारा के अंता और मांगरोल में पंचायत चुनाव के तहत सरपंच के चुनाव हो गए हैं। दोनों की कुल 15 ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए। जैसलमेर के रामदेवरा में चौथे चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। लोगों ने सुबह 8 बजे मतदान में शुरू होते ही लंबे कतारों में लगकर मतदान में हिस्सा लिया। मतदान केंद्रों पर महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा रही। कोरोना की दहशत बढ़ चुकी है, इसी को लेकर अजमेर के सबसे बड़े GLN अस्पताल में एक अलग से OPD खोला गया है, जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण के मरीजों को रखा जा रहा है। अगर कोई कोरोना संदिग्ध पाया जाता है तो उसे तुरंत आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाएगा। सीकर में 25 मार्च को भगवा रैली निकाली जाएगी। इसकी तैयारियों को लेकर आयोजकों ने शहर के कई मंदिरों में पूजा आराधना की। इस भगवा रैली में 25,000 से ज्यादा वाहन आएंगे। हिंदू नववर्ष के शुभारंभ में ये रैली निकाली जाएगी। चूरू के सरदार शहर में कोरोना वायरस को देखते हुए श्रीराम शरणम परिवार की ओर से सरस्वती स्कूल में 7 दिवसीय विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है। इन 7 दिनों में श्रीराम से कोरोना वायरस को समाप्त करने की प्रार्थना की जाएगी। अजमेर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर रामगंज थाना क्षेत्र के दौराई में सोने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और कीमती सामान समेत लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वही शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। मारा के अंता में गांव की सरकार चुनी जा रही है, जिसको लेकर मतदाताओं ने कल बड़े उत्साह के साथ वोटिंग की। सरपंच प्रत्याशियों ने वोटरों से मतदान करने की अपील की, जिसके बाद बड़ी संख्या में मतदाता बूथों तक पहुंचे। उदयपुर के सायरा और गोगुंडा गांव में रंग सप्तमी के दिन धुलेंडी खेली गई। सुबह से ही लोगों के बीच में रंगों का उत्साह देखने को मिला। रंग सप्तमी के बाद ग्रामीणों द्वारा बैठक भी आयोजित की गई। भीलवाड़ा के मेजा ग्राम में खेत में सिंचाई करने गया किसान अचेत अवस्था में पड़ा मिला। सूचना पर किसान को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। झालावाड़ के रायपुर में बजरी से भरे डंपर और एम्बुलेंस में भिड़ंत हो गए। हादसे में एम्बुलेंस सवार दो लोग घायल हो गए। सुसनेर चिकित्सालय की 108 एम्बुलेंस रायपुर के पास मरीज को छोड़कर घर लौट रही थी, तभी इंदौर कोटा हाईवे पर आ रहे डंपर से भिड़ंत हो गए। मामला दर्ज कर पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। झुंझुनू के बिसाव में सीएम अशोक गहलोत की कृषि उपज मंडी समिति खोलने की घोषणा के बाद कांग्रेसी नेताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर आतिशबाजी की। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि जो विकास बरसों तक नहीं हुआ वो विधायक रीटा चौधरी ने करवाया। झालावाड़ में मुस्लिम समाज के शादी सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां पर 50 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। दौसा के सिकंदरा में बीजेपी जिलाध्यक्ष रतन तिवारी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और इस दौरान दौसा सांसद जसकौर मीणा भी साथ मौजूद रहे। अजमेर के ब्यावर में श्री राजपूत समाज नव युवक मंडल अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न करवाए गए और इस दौरान नरेंद्र सिंह राणावत को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर चुना गया। सवाईमाधोपुर के बौली में जहां अवैध बजरी परिवहन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरेआम दिन दहाड़े अवैध बजरी द्वारा सरकारी निर्माण करवाए जा रहे हैं। कार्रवाई की दोहरी नीति आमजन की समझ से परे है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना।